हेलो गाइस, मैं हूं मुकुल सिंह, फोकस इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा और सब बढ़िया है। तो जैसा हमने देखा, आपकी तीन जो वीडियो मैंने बनाई है, जिसपे है डायनामिक माइक और आपका कंडेंसर और रिबन माइक, तो वो आपने देख ली होगी। उम्मीद है अगर नहीं देखी तो अभी जाके चेक करें, जो कि अब मैं ये जो माइक्रोफोन आपके बारे में बता रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है। अगर आपने नहीं देखी उन वीडियो को तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज जाके उनको देखें और फिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग में बताना चाह रहा हूँ। तो पहले उन वीडियोस को आप जरूर देख ले जाके। तो मैं आज ये जो आपके लिए जो माइक्रोफोन लेकर आया हूँ वो है ट्यूब माइक्रोफोन। ये बेसिकली आपने काफी स्टूडियोज में देखा या नहीं देखा, बट ये बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है, ये बहुत रेयर यूज होता है और काफी अच्छे स्टूडियोज में इसका वर्क होता है। पहले काफी यूज होता था, बट अब नहीं इसका ज्यादातर यूज करते क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको ट्यूब माइक्रोफोन के बारे में। ट्यूब माइक्रोफोन एक ऐसा माइक्रोफोन है जो कि कॉमनली होता है, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब होती है उसके डिजाइन में, ठीक है। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होती है, जो कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कंट्रोल करता है आपके करंट फ्लो को, राइट। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है, इसका मेन काम होता है माइक्रोफोन के अंदर, ट्यूब माइक्रोफोन के अंदर। तो जो इसका रोल रहता है वो ये क्या करता है, एक एक्ट करता है एज ए इम्पीडेंस कन्वर्टर और आपके एम्पलीफायर फॉर द माइक सिग्नल, राइट। तो ये इस तरीके का इसका एक वर्किंग प्रोसेस होता है, जो कि मैंने आपको बताया ट्यूब माइक्रोफोन के बारे में। अब जैसे ट्यूब माइक्रोफोन जो होते हैं वो एक कंडेंसर माइक्रोफोन होती है, जो कि काफी फेमस है और यही आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। मिलने को तो आपके पास, आपके लिए ये जो लार्ज डायफ्राम कंडेंसर है और स्मॉल डायफ्राम कंडेंसर है, ये भी होते हैं और ट्यूब माइक के अंदर, और इवन रिबन भी। अब जैसे हमने देखा कि आपका जो जो लार्ज डायफ्राम कंडेंसर है वो आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा आपके ट्यूब माइक्रोफोन के अंदर। तो उसका एक जो प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर दो चीजें कॉमनली होती है। जैसा मैंने आपको कंडेंसर माइक के अंदर बताया था कि उसके अंदर कैप्सूल होती है, तो ऐसी इसके अंदर कैप्सूल और प्लस ट्यूब, ये दोनों वर्क करता है इसको प्रॉपरली काम करने में आपका ट्यूब माइक्रोफोन में, राइट। तो ट्यूब कंडेंसर जो माइक्स होते हैं वो बेसिकली अपने एक्यूरेसी और आपकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए जाने जाते हैं, राइट। तो इसका जो मेन होता है वो आपका जो वाइट, मैंने जैसा बताया आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और आपका ये आपका होता है इसका एक्यूरेसी, राइट। तो ये इसका बेसिक फीचर होता है जो कि ये इसके लिए कॉमनली देखे जाते हैं और जाने जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको खास बनाते हैं आपके ट्यूब माइक्रोफोन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो कि काफी वाइड होता है, राइट। और दूसरा होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो कि काफी वार्म एंड स्मूथ होता है, राइट, जो इसका करेक्टर है आपको मिलेगा। और इसका जो एक थर्ड फीचर होता है वो है इसका सेंसिटिविटी जो कि काफी हाई होती है, राइट। और जो फोर्थ है इसकी वर्सटैलिटी। तो ये इसके चार जो फैक्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसको ट्यूब कंडेंसर माइक को आप देखेंगे तो आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, इससे ही इसका एक आपको डिफरेंस पता चलता है कि ये इसके लिए क्यों खास है, राइट। और क्योंकि ये आपको पता है कि ट्यूब जो माइक्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैंने जैसा बताया कि आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। अब एक जो इसके अंदर होता है कि जो आपको देखना है कि एक ट्यूब माइक होता है, एक फैट माइक माइक्स होती है। जो फैट माइक्स होते हैं उनको हम कहते हैं, जो फैट है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन ट्रांजिटर्स, ओके। तो ये दो तरीके के माइक की कैटेगराइज अब मैंने इसमें कर दिया है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इसका जो बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्यूब कंडेंसर माइक्स है वो है आपका टेलीफंकन C12। ये बेस्ट मॉडल है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, काफी एक्सपेंसिव होते हैं बट नहीं देखने को मिलते, ये आपके स्टूडियोज वगैरह में कॉमनली बहुत ही रेयर है जो कि आपको देखने को मिल जाए। तो अगर आपके बारे में इनके आपको जानना है तो इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट जरूर करें। एक है नोयमैन का U67, ये भी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और काफी हाई रेंज के इनके माइक्रोफोन्स होते हैं। दूसरा एक मॉडल है टेलीफंकन का ही U47, ये भी आप जरूर चेक करें, ये भी काफी ट्यूब माइक्रोफोन में काफी यूज होता है और काफी जो अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज है उसमें इनका काम किया जाता है। और जो हमारा लास्ट है वो है सोनी का C
800G, ये भी काफी पॉपुलर है। तो ये जो चार माइक मैंने आपको बताए हैं, इसके बारे में डिटेलिंग के लिए आप इंकी वेबसाइट पे जाए तो उसमें आपको इसके स्पेक्स काफी क्लियरली देखने को मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ फैट्स माइक और ट्यूब माइक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने बताया, जो फैट माइक होता है वो उसको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये काफी चीपर होते हैं और उससे ट्यूब से काफी क्वाइटर होते हैं, राइट। अब जैसे हमारा है ट्यूब माइक, मैंने जैसे आपको बताया कि ये काफी वार्म साउंड करता है और स्मूथ साउंड करता है, ऐसी जो फैट माइक्स है वो काफी चीप होते हैं, राइट। तो इनके बीच में ये डिफरेंस होता है। अब आपको देखने को जैसे मिल जाएंगे कि जो फैट माइक्स है वो आपको ट्यूब कंडेंसर माइक के अंदर दोनों ही वर्किंग प्रिंसिपल पे मिल जाएंगे। अब ये जो दोनों वर्किंग प्रिंसिपल्स है इसमें आपको ये काम करते हुए दिख जाएंगे। तो ये फैट भी होते हैं और आपका ट्यूब का भी काम करते हैं। तो इनके अंदर आपको यही देखना है कि फैट माइक क्या है और क्या है। बट फैट माइक क्या है कि वो एकदम ही आपको पावर सोर्स ले लेता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फैंटम पावर, तो उससे वो एकदम जल्दी से ऑपरेट हो जाता है। जबकि ट्यूब्स जो माइक्स होते हैं वो आपको उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्यूब होती है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है उसको प्रोसेस करने में है। तो फैट माइक जल्दी से चार्ज होके वो अपना, मतलब आप उसको फैंटम पावर से ऑन करके उस पर वर्क कर सकते हैं, बट ट्यूब्स माइक टेक्स सम टाइम। तो वो इस दोनों में ये बेसिकली डिफरेंस है। अब जैसे मैंने आपको बताया फैट्स माइक ये काम करता है और जो आपका है ट्यूब माइक्स, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आप इनके बारे में ज्यादा डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो इनके पहले जो मैंने आपको मॉडल्स बताए हैं माइक्रोफोन के, ट्यूब माइक्स के, वो जाके आप अपने उसमें देखे और इसको समझे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या वर्किंग करते हैं, राइट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ट्यूब माइक चाहिए या फैट माइक चाहिए, राइट। तो इसके लिए कोई ऐसा राइट और रॉन्ग फॉर्मूला नहीं होता है कि आपको क्या चूज करना चाहिए कि मैं ट्यूब माइक करूं या फैट माइक करूं, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। आप कोई भी देखो, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया होगा, आप कोई भी माइक्रोफोन लेते हैं तो उसका अपना एक करेक्टर होता है। कोई वार्म साउंड करता है, कोई क्लीन साउंड करता है, कोई ब्राइट साउंड करता है, किसी का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स काफी अच्छा होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप खुद उसको ट्राई करें, ना कि आप किसी के बातों में बोला जाए कि ये माइक अच्छा है या वो माइक अच्छा है। मैं खुद नहीं कहता कि ये अच्छा है वो अच्छा है। मैंने एक जस्ट फॉर नॉलेज आपको बताया कि ये चार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माइक्रोफोन्स है, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ही हो सकते हैं। ये जो आपको ट्यूब माइक्रोफोन है ये आपको बेसिकली आपके उस पे भी मिल सकते हैं। आपके जो ये जो करेक्टर है वो आपको एक नॉर्मल कंडेंसर माइक के अंदर भी मिल सकते हैं। तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन है। आप उस किसी माइक को पिक करें और जस्ट एक्सपेरिमेंट करें कि कौन सा कैसा साउंड कर रहा है, और जैसे जैसे आप देखेंगे तो आपको खुद नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा कि आप उस चीज से वो मतलब आउटपुट निकाल पा रहे हैं उन माइक से या नहीं निकाल पा रहे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ट्यूब माइक से बहुत रेयरली यूज होते हैं, ये आपको कॉमनली देखने को भी नहीं मिलेंगे, और इसके ऊपर काफी कुछ वीडियोस भी नहीं है यूट्यूब के अंदर। तो मैंने इस पे काफी अच्छा सा वर्क करके आपको ये मैंने आज बताया कि ट्यूब माइक्रोफोन होते क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है। तो आज मैंने जो आपको ये बताया है, जो ये जो आपके चार माइक है, जैसा डायनामिक, आपका कंडेंसर और रिबन और ये ट्यूब माइक्रोफोन, तो इनको आप अच्छे से स्टडी करें, इनको स्टडी करें और इनके बीच में डिफरेंस देखें कि कैसा है। ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल चीज है, क्योंकि कल को आप अगर प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो अगर आपको इनके बीच में डिफरेंसेस नहीं पता है तो ये आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो आज ही जाके चेक करें, और कोई भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखे, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि आपको किसी चीज में डाउट हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को उसके बारे में जान सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होप, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से जल्दी जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले कि आप इस चैनल को देखें, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो जैसे आप लोग दे रहे हैं। तो प्लीज उसको शेयर करें, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छी वीडियो बनी होगी। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कुछ आप सजेशन चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स पे जल्दी से टाइप करें। जय हिंद।